हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसा सभी लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने कल एक दो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे मैग्नेटिक इफेक्ट के, लेकिन कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो उस वीडियो को पूरा नहीं कर पाया। तो आज मैं आपसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार जरूर खुद से करके देखनी है, ठीक है? क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको करते हो सकता है कि आसान लगे, आपको लगे शायद क्वेश्चन कर पाएंगे, पर एक बार अपने आप से क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना। जितने क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा। इट्स नेम इज नीट @NEET20VKTK। तो दैट इज अवर टेलीग्राम चैनल जिसपे मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आज डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैं पोस्ट कर दूंगा। शुरुआत में पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने फिगर बना रखी है। देखो क्वेश्चन क्या हुआ, ध्यान से देखने के बाद क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ऐसे करके लूप है, ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, पहले यहां से करंट जा रहा है ऐसे करके, फिर करंट ऐसे करके आ रहा है, फिर लूप थोड़ा छोटा हो गया, फिर लूप थोड़ा सा और छोटा हो गया और ऐसे चल गया। जो बड़ा वाला है इसका तो रेडियस है 4R, ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस है 2R, और जो उससे भी छोटा है उसका रेडियस है R है। और आपको क्वेश्चन में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, स्क्रीन पॉज करके खुद भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, है ना? तो क्वेश्चन करने के दो तरीके हो गए, या तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ करो या स्क्रीन को एकदम पॉज कर लो और मेरे साथ से पहले मेरे करने से पहले खुद क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो जो आपको बढ़िया लगे, बेनिफिशियल लगे, वो वाला मेथड अप्लाई कर लो, लेकिन क्वेश्चन साथ साथ ट्राई जरूर कर लो। एक बात और दोस्तों, अभी तक अपने चैनल का जो सब्सक्रिप्शन हो चुका है वो लगभग 350 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है? और आपको जैसे बताया कि मुझे कम से कम 1K चाहिए जल्दी से जल्दी, और इसके लिए बच्चों मैं इसी वीक के अंदर 3 मैराथन सेशन लेके आ रहा हूं। एक लेके आ रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स का, एक रोटेशनल मोशन का और एक सेंटर ऑफ मास का। पर आप लोगों ने एक काम करना है, जितने भी आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं आप लोग अपने फ्रेंड से, एक फ्रेंड से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि अगर अभी 350 है तो कल तक अगर एक पर्सन एक दूसरे बंदे से कराएगा सब्सक्रिप्शन तो 350 मतलब 700 जाएगा, और मतलब हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 1K को क्रॉस कर चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों ये मिनिमम रिक्वायरमेंट चैनल की है, तो आप लोगों ने ये जरूर करना है, ठीक है? तो आप लोगों ने जितने भी लोग ज्वाइन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपने एक अपने फ्रेंड से अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सारी चीजें पसंद आ रही हैं, तो आपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करनी है, ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे अपने जुड़ सके और हम लोग अपने चैनल को और प्रमोट करके और इसको बढ़ा सके। अभी मैं दिन में सिर्फ एक वीडियो बनाता हूं, जितना ज्यादा ये आगे बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने पूरी कोशिश करनी है चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए पॉइंट्स लाने की। तो शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, ये जो बड़ी वाली आर है 1/4 आर है। अच्छा आपको पता है पूरे सर्कल से जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना कितनी बनती है, μ0I/2R इतनी बनती है अगर सिंगल टर्म। अच्छा कल आपको मैंने ना नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा एक सर्कल हो, 2 हो 3 हो 4 हो, वो तो एंड पुट कर देंगे। मान लो अधूरा सर्कल हो, जैसे कि ये 1/4 है, होस्ता हाफ हो सकता इसके अलावा कुछ और हो, तो उसमें अगर आपको एंड निकालना है तो एंड निकालने का बहुत सीधा सा फॉर्मूला होता है। एंड निकालने का फॉर्मूला होता है θ/2π। जितना एंगल सब्टेंड कर रहा हो उस एंगल को ऊपर रखो और 2π से डिवाइड करो। जैसे कि इस वाले केस में जो थीटा एंगल सब्टेंड हुआ 1/4 आर्क से वो π/2 होगा। अगर हम पुट कर देंगे π/2 तो एन क्या बन जाएगा हमारे पास 1/4 आर्क बन जाएगी। और अगर थीटा समझ लो पूरी एक सर्कल होती, पूरी सर्कल होती तो एंगल होता 2π/2π, तो एक नंबर टर्म्स आपकी। अगर आधी टर्म होती तो आई/2π तो आंसर π/2 होता।
तो जब भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालना हो और सर्कल एक से कम दे रखा हो तो एक से कम वाले केस में आप यहां से एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसको तो पता 140 है, तो इस वाले केस में अगर मैं इस वाले लूप से यहां पर फील्ड निकालूंगा तो अपना फार्मूला देखो क्या बनाएगा, अपना फार्मूला बनाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में टू इंटू में आर इज द रेडियस एंड द रेडियस इज द 4 आर। और ये तो पूरे सर्कल से बनी और हमारे पास कैसी है, हमारे पास तो 1/4 है तो उसको 1/4 और करना पड़ेगा, कर दिया 1/4 इसका। इस वाले फील्ड इस वाले पार्ट से यहां पर फील्ड आ गई, डायरेक्शन बनेगी आउट ऑफ द प्लेन, जहां करंट फ्लो कर रहा हो वहां फिंगर घुमा दो, थंब शो करता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, डॉट लगा दो पहला पॉइंट। अब यह वाला जो पार्ट है यहां पर फील्ड बनाएगी नहीं, कोई किसी भी वायर की एक्सिस के अलावा कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है, फील्ड बनती है उसके बाहर चारों तरफ एक्सिस पे अलाउ, ये फिर ऑन द एक्सिस फील्ड नहीं बनेगी, तो यहां पर फील्ड बनेगी जीरो। अब इसके आगे लो, इसके आगे हमारे पास आधी है कॉइल, आधी कॉइल है हाफ। अब अगर हाफ कॉइल है तो एन को तो पूर्ण कर सकते हैं हाफ, तो एन हाफ हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में टू इंटू में इसका रेडियस और इसका रेडियस टू आर। अब ये फील्ड बनेगी इससे, फिर इससे फिर फील्ड नहीं बनेगी क्योंकि ये भी इसकी एक्सिस के अलावा, और फिर ये होगी 1/4। अब ये 1/4 होगी तो क्या लिखोगे, 1/4 म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन में इसका रेडियस टू आर, और आर कितना हमारे पास अब तो आर ही है। डायरेक्शन इसकी भी आउटवर्ड है, डायरेक्शन इसकी भी आउटवर्ड है, तो ये डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और ये डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। जब सारी डायरेक्शन आउटवर्ड है तो सभी को जोड़ दो, जो आएगा वो इसके सेंटर पर क्या बन जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बन जाएगी। एक बार चेक भी करो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। किसी को कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोगों के लिए। हाजिर देखो, अब आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इससे बढ़िया क्वेश्चन। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन ले जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत आता है, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी का है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से, नाउ टेकिंग द क्वेश्चन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैं क्वेश्चन किस कैटेगरी से ले रहा हूं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स। ये आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक कॉइल हो उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है उसका फॉर्मूला बनता है एन आई ए निया। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है कितना बनता है, दो ये बनता है निया, और निया में एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया ऑफ द लूप। ए का मतलब क्या हुआ, इस पूरे लूप का एरिया। ठीक है भाई, तो इस वाले केस में जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन होगी, आई करंट हो गया और ए इज द एरिया हो गया। अच्छा, ये क्वांटिटी स्केलर होती है वेक्टर होती है, क्वांटिटी स्केलर है या क्वांटिटी वेक्टर होती है, कौन बताएगा मुझे, मुझे कौन बताने वाला है, मैं बताने वाला हूं। देखो, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जहां करंट फ्लो कर रहा हो ना वहां फिंगर घुमा दो, जहां करंट फ्लो कर रहा हो जैसे करंट फ्लो कर रहा हो फिंगर घुमा दो, थंब शो कर देगा डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वाले केस में डायरेक्शन बन जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। आगे इसका डायपोल मोमेंट निया, अगर नंबर टर्न्स एक है तो एक पुट कर दो, करंट आई है एरिया मान लो उसका रेडियस समझ लो आर है, तो क्या बन जाएगा आई इंटू में पाई इंटू में आर प्लस। ये तो बन गया इसका डायपोल मोमेंट। ये तो क्वेश्चन हो गया उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करते हैं, आप तो नीट की तैयारी कर रहे हो, वो भी नीट 2020 जिसके पीछे आप भाग रहे हो और वो सबसे आगे भाग रहा है नीट 2020। ठीक है, तो चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पर, जो क्वेश्चन आपके लायक हो आपके स्टैंडर्ड के लायक हो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये देखो, ये है हमारे पास एक ऐसे करके मान लो एक्स वाई जेड पे ऐसे करके राइट, और इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है मान लो ऐसे करके, दैट इज अ कॉइल, इसके अंदर एक ऐसे करके कॉइल रखी हुई है, दैट इज अ कॉइल, ये कॉइल रखी, ये कॉइल थोड़ी सी इंक्लाइंड है 30 डिग्री के एंगल से। ठीक है,
30 डिग्री का एंगल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे इंक्लाइंड है। वैसे तो कॉइल आपके सामने ऐसे करके सीधी होती है, ऐसे करके सीधी कॉइल होती है ना, ऐसे करके कॉइल नहीं है, ये कॉइल ऐसे करके नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है, चिपकी नहीं हुई ऐसे करके, थोड़ी सी ऐसे करके उठी हुई है, और कितने एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से। तो अगर ऐसे होती तो सीधी हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर होती, पर अभी किसमें होगी है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन के अंदर आती है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है ऐसे करके, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, आपने इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब अगर कॉइल बिल्कुल सीधी ऐसे करके होती, बिल्कुल सीधी ऐसे करके होती, आप सीधा आंसर निकाल देते, डायरेक्शन और बढ़ जाती है। इस वाले केस में आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, तो आपको बताया कि इसका तरीका जो निकालने का क्या है। अगर आपने इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला इसका है निया, एन आई और ए। तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस वेक्टर फॉर्म में। नंबर टर्म्स तो हमारे पास एक ही है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, सारी कहानी है ए वेक्टर निकालने की। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, चलो उसकी पहले नेमिंग कर देते हैं। इसकी चलो मैं नेमिंग कर रहा हूं, मान लो सपोज करो कि ये पॉइंट मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस। अब किसी चीज का एरिया कैसे निकालते, मान लो सपोज करो ईच लेंथ इज एल, हर एक लंबाई इसकी एल है सपोज करो। अब मुझे इसका क्या निकालना है, ए वेक्टर निकालना है ना। अब अगर इसको इसका ए वेक्टर निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे इसका ए वेक्टर निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक तो मैं इसकी आप ले रहा हूं, सपोज करो कि मैंने लिया पी क्यू, एरो से डाल रहा हूं, तो एक मैंने लिया पी क्यू, पी क्यू क्रॉस क्यू आर, ऐसे कर लीजिए आपने वेक्टर में, इलेवंथ क्लास में सुनने वेक्टर पढ़ा हुआ ना, मस्त वाला वेक्टर, इसी मस्त वाले वेक्टर की जरूरत है यहां पर। कितने बच्चों का वेक्टर बहुत बढ़िया है, जिनको लगता है वेक्टर बहुत बढ़िया है, तो एक बार चलो वेक्टर का वीडियो बनाऊंगा बढ़िया सा, आप देखना आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। अब हम लोग ना एक दूसरे को चैलेंज देना शुरू करेंगे, जैसे मैं मॉडर्न फिजिक्स का लेके आऊंगा ट्यूजडे को, लेके आऊंगा मॉडर्न फिजिक्स ट्यूजडे को, मॉडर्न फिजिक्स लेके आऊंगा, उसमें जो भी थ्योरी मैं कराऊंगा उसको डिस्कस करना, बिल्कुल तैयार कर लेना, फिर क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा ना आप साथ साथ क्वेश्चन करना, मेरी स्क्रीन को पॉज कर करके क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन निकलने चाहिए। और अगर सारे क्वेश्चन निकल पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ नए भी, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अब 20 नीट 20 के लिए आप लोगों को बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं, पर आपने मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, देखना ऐसी बात नहीं है। चलो अभी इसको निकालते हैं, पहले पी क्यू वेक्टर को देखते हैं क्या है। पी क्यू वेक्टर ऐसे करके है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। तो पी क्यू कहां पर है, पी क्यू है एल जे के, है ना। अच्छा अब QR, QR देखो थोड़ा तिरछा है, QR अगर ध्यान से देखो थोड़ा तिरछा है। अगर QR का प्रोजेक्शन लो ना, तो इसका एक प्रोजेक्शन तो जा रहा है ऐसे करके देखो ध्यान से, जो कि XY प्लेन में जा रहा है, और एक प्रोजेक्शन थोड़ा आगे की ओर आएगा, थोड़ा आगे की ओर आएगा, भार की ओर आएगा, क्योंकि ऐसे करके कॉइल होगी ना, तो थोड़ा भार की ओर आएगा, ये जेड में चला जाएगा। और हाँ क्वेश्चन में 30 डिग्री का एंगल रखा है, तो ये एंगल 30 डिग्री का है। तो अगर ये एल वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट तो बनेगा यहां पर, और एक कंपोनेंट बनेगा भार की ओर जेड की ओर। जो इधर बनेगा वो तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, देख लेते हैं एक बार, मुझे एक मिनट दो जस्ट। तो एक हमारे लिए बन जाएगा एल कॉस 30, जो ये वाला बनेगा, तो एल कॉस 30 दैट इज द आई कैप, राइट। और प्लस में एल साइन 30 भार की ओर है ना, एल साइन 30 जो कि भार की ओर है, भार का मतलब की है। अगर आपने ये कर दिया तो आंसर आ गया, इतना काम कर दिया तो आंसर आ गया। कितने लोग इतना काम कर पाए थे, एक बार अपने आप से पूछो यार, अगर आप ये काम कर पाए थे ना तो बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। चलो सॉल्व कर दो उसको, क्या अब थोड़ा सा काम आ रहेगा, वो भी खत्म कर लेते हैं। एल इंटू एल तो एल स्क्वायर हो गया, कॉस 30 हो गया रूट 3 बाई 2। अच्छा जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई, तो J क्रॉस I से I क्रॉस J करते हो प्लस की होता है, तो J क्रॉस I माइनस की हो गया, दैट इज अ माइनस K। और फिर करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे L स्क्वायर साइन 30 1 बाई 2 J क्रॉस K, J क्रॉस K इज अ प्लस I। ये मैं ऐसे निकाल रहा हूं, सोचिए कैसे निकाल रहा हूं, ऐसे करके ये I, ये J और ये K। पहले किस में क्या करना था मुझको, J क्रॉस K, तो J से K की तरफ जाना था आपने, पहले केस में लिख रहा था J क्रॉस I, सॉरी J क्रॉस I कर रहा था तो ऐसे जाना था। जब भी क्लॉक वाइज जाते हैं हमेशा नेगेटिव आंसर आता है, जब भी एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। जैसे हमने नेक्स्ट सेशन में किया
जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का मतलब प्लस आई जाएगा मेरा माइनस। तो देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एल स्क्वायर, वहां पर लिख देता हूं, मुझे मिल गया यहां पर एल स्क्वायर और बाई टू बार कॉमन ले लो, अंदर मुझे क्या मिल जाएगा रूट थ्री माइनस के कैप और प्लस में ये तो भारी आ गया तो मेरे पास है ना, तो ये खाली एल स्क्वायर बाई टू भारी आ गया तो प्लस में आई कैप, ये तो आ गया मेरे पास एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को आई से इंटू कर दो तो आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर, आई से इंटू करना पड़ेगा बस। पर क्वेश्चन ऐसे आपको कर रहे चाहिए, वेक्टर का यूज करवाना चाहिए। अब वो चैप्टर में ये क्वेश्चन जो है ना, चैप्टर कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यूज किसका हो गया, वेक्टर का यूज हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें चैप्टर किसी और का और नाम किसी और का, काम किसी और का और नाम किसी और का, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने आने चाहिए, ठीक है। क्या बात सुना रही है, तो कहानी किसी और की है और स्टोरी किसी और की है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, एक और क्वेश्चन फ्रॉम द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से, वन मोर क्वेश्चन, एक आपको रूल समझाता हूं मैं बढ़िया से। देखो एक बढ़िया सा रूल आप लोगों के लिए, आपसे बोले कि हमारे पास मान लो एक ऐसे करके, ऐसे करके मान लो सपोज करो एक रिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, कैसी रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है। तो मेरे पास ऐसे करके एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है और पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे लपेटा हुआ चिपका रखा है, बिल्कुल चिपका रखा है, और रिंग नॉन कंडक्टिंग अपने तो चलेगा नहीं, बस चिपका रखा पूरा, और इसका जो रेडियस है वो आर है, और ये अपनी एक्सिस पर ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो चार्ज भी घूमेगा, जब चार्ज घूमेगा तो उसका डायपोल मोमेंट बनेगा। अब अगर इसका अपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, इसका अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, निया, निया में एन दो एन वन हो गया, आई इज द करंट, ए इज द एरिया, अगर इसके एरिया की बात करेंगे सिर्फ वैल्यू निकालने से सिंपल ले लो तो एरिया तो हो गया इसका पाई आर स्क्वायर। अब रहेगा करंट, करंट कैसे निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करती है, जब ये चक्कर पूरा करता है तो आपने ओमेगा का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ टू पाई बाई कैपिटल टी, ये ओमेगा और टी में रिलेशन होता है जब एक चक्कर पूरा होता है, जब एंगल टू पाई का होता है, तो टाइम यहां से निकालो, तो टाइम यहां से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, चार्ज तो क्यू ही है, और टाइम यहां से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा टू पाई बाई ओमेगा। अब मुझे निकालना है डायपोल मोमेंट, तो फॉर्मूला है निया, निया में एन तो वन हो गया, आई हमारे पास आ गया क्यू ओमेगा अपॉन में टू पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई ने पाई को मार दिया तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर पाई टू। आप बोले तो सर सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग आते हैं, इसमें क्यों टाइम खराब कर रहे हमारा, कोई बात नहीं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, इसी का मैं एक एडवांस क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी कैटेगरी का एक एडवांस क्वेश्चन ले लेता हूं, पर उसको पहले एक बार देख लेना, चेक कर लेना, इसी कैटेगरी का मैं एक और बढ़िया सा आपसे एडवांस क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो चलो इसी कैटेगरी का मैं एक एडवांस क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान से देखना एडवांस क्वेश्चन क्या है, एडवांस क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं, अब मेरे पास रिंग नहीं डिस्क है, अब मेरे पास रिंग नहीं है डिस्क, इश्क नहीं डिस्क, डिस्क है मेरे पास एक, ठीक है, तो अब मेरे पास एक डिस्क नहीं है, और इस डिस्क का भी रेडियस मान लो आर है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है और पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे सरफेस एरिया पे ऐसा करके चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और ये भी ऐसे करके घूम रही है ओमेगा से ही घूम रही है, इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे अगर ये डिस्क है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ, इसको आप रिंग के तरह निकाल सकते, क्योंकि रिंग में चार्ज एक ही तरफ था पूरा एरिया है, इससे तो इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं भाई, पहला तरीका आप लोग करो, दूसरा तरीका मैं करूंगा, या एक और तरीका आप क्या करो, यहां से कुछ एक्स दूरी पे जाके छोटा सा एरिया एलिमेंट हो, इतना सा छोटा सा एरिया एलिमेंट हो, जिसका छोटा सा एरिया हो, फिर जब इस छोटा सा एरिया का आप लोग निकालोगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, छोटा सा इतनी एरिया, बस इतना रिंग मान के इतने से एरिया निकालोगे,
फिर इसमें ऐसी बहुत सारी रिंग पॉसिबल होगी, सबको जोड़ दोगे, और सबको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बस यही पे कहानी खराब करती है। अरे भाई मेरे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बात ये नहीं हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आती है, आती है, दिक्कत ये है कि एग्जाम में टाइम ही कम होता है। इतना सोचेंगे इंटीग्रेट करेंगे, उतनी देर में तो हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, कहानी खत्म। तो एक क्वेश्चन में वजह से 5 क्वेश्चन के ऊपर बात करें। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे डायरेक्टली आंसर आएगा बिल्कुल। देखो क्या कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है कि किसी बॉडी के लिए, चाहे कोई बॉडी हो, रिंग हो, डिस्क हो, जो बॉडी रोटेट कर रही हो, ओमेगा से घूम रही है, अगर आपने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला, सिंपल तरीका है कि किसी बॉडी का, रोटेटिंग बॉडी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो क्यू बाय 2m के बराबर होता है। क्यू इज द चार्ज, m इज द मास, एंड कैपिटल m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसमें मुझे इस वाले केस में निकालना है, तो पहले इसका मैं IL निकाल दूंगा, आई ओमेगा। आई इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर / 2 इनटू में ओमेगा, पुट कर दो आंसर आ गया। तो देखो सीधा एंगल बन जाएगा, m बन जाएगा q / 2m इनटू में l, और l हमारे पास कितना है, ये m इज द मास, ये वाला मास है, ठीक है। तो छोटे मास ले लो, m r स्क्वायर ओमेगा / 2, मास ने मास को मार दिया, q r स्क्वायर ओमेगा / 4। और अगर रिंग का निकालते हैं तो देखो क्या करते हैं, रिंग का अगर निकालते तो, अगर मैं रिंग का निकालता तो रिंग का आई ओमेगा क्या होता, एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, q बाय 2m इनटू में l, और l है m r स्क्वायर ओमेगा, m ने m को मार दिया, तो उससे हमारा आंसर आ रहा है। तो हां, ना हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ा, सीधा सीधा आंसर आ गया, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। पर ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। आप किसी बॉडी में डालते हो, सर्कल बॉडी ले लो, होलो स्फीयर ले लो, होलो सॉलिड स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। ये रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये पॉइंट याद रखो। क्या सभी को बात समझ आती है? तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट हो, दिक्कत हो, मेरे से पूछ लो। कोई क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आज कुछ बढ़िया एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करने वाले हम लोग उसी कैटेगरी में। देखो एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलो मैं लेके आता हूं। क्वेश्चन ये है, कल मैंने क्वेश्चन किया था, बच्चा पूछ रहा है टाइम कैसे निकाला, मैं उसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो सपोज करो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो सपोज करो कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, जो कि कांस्टेंट है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर जो कि कांस्टेंट है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ऐसा एंटर नहीं कर रहा, थोड़ा इंक्लाइन होकर एंटर कर रहा है, ऐसे करके एंटर कर रहा है। और सपोज करो कि यहां पर एंटर करते समय एंगल बना रहा है, मान लो सपोज करो 30 डिग्री का, मैं वैल्यू ले लेता हूं, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, चार्ज पॉजिटिव है क्यू, मास एम है, वेलोसिटी ऐसे करके है। सपोज करो इस वाले पॉइंट से एंटर करता है, मान लो सपोज करो पी पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट से क्यू पॉइंट से बाहर निकलता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके एंटर करता है और फील ऐसे करके ही है, तो उस वाले केस में क्या होता है, फील ऐसे करके है, एंटर ऐसे कर रहा, फोर्स लगेगा ऊपर, इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स इसी लाइन पर लगेगा ना, तो पार्टिकल सेमी सर्कुलर बना के बाहर आता है, क्योंकि जहां पर इसका सेंटर होता है ना, उसके इधर भी सेमी सर्कुलर होता है, इधर भी सेमी सर्कुलर होता है। तो अगर सेंटर यहां पर है, इधर सेमी सर्कुलर बनना है, अगर सेंटर इसके अंदर आता, सपोज करो, ठीक है, तो सेंटर के बाद सेमी सर्कुलर बनता, तो ये बड़ा सर्कल होता, सेमी सर्कल से बड़ा होता, और अगर इसका सेंटर बाहर की तरफ आ जाए, तो इसके अबाउट सेमी सर्कल बनता, तो अंदर सर्कल सेमी सर्कल से छोटा बनेगा। तीन बातें, अगर सेंटर बिल्कुल इसी लाइन पर जाए तो सेमी सर्कल बनेगा, अगर सेंटर इसके थोड़ा अंदर चला जाए तो सेमी सर्कल से बड़ा बन जाएगा, क्योंकि सेंटर इधर सेमी सर्कल बन रही है, और अगर सेंटर बाहर आ जाए तो सेमी सर्कल से छोटा बनेगा, क्योंकि सेंटर बाहर आ गया ना, तो इस लाइन का लॉन्ग आधा बनना है ना, तो इधर छोटा बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। इस वाले केस में देखने क्या होता है, इस वाले केस में एंटर तो ऐसे करके कर रहा है, मुझे निकालना है कि कितने टाइम के बाद बाहर निकलेगा, टाइम निकालना, इसका चक्कर लगाने का, कितने टाइम के बाद बाहर निकलेगा अगर जीरो टाइम पर एंटर करवा दे, ठीक है। चलो करते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर ढूंढो, सेंटर कहां लगेगा, इसका तो सेंटर कहां लगेगा,
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, एंटर कर रहा है ऐसे करके तिरछा, सेंटर इस साइड होगा थंब की डायरेक्शन में, तो सेंटर इस साइड होगा कहीं पर। अगर सेंटर लाइन से बाहर आ गया तो सेमी सर्कल से छुटा बनेगा ऐसे करके न्यू करके बाहर निकलेगा, और इसको भी इससे मिला। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर बन जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना टाइम, कितना टाइम इसमें रहा, तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो आर्क होगी, ये जो आर्क होगी, ये जो आर्क होगी, ये वाली आर्क, ये कितना एंगल बना रही है ना, वो एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल को कैसे निकालेंगे, सिंपल। सबसे पहली बात कि इसकी वेलोसिटी ऐसे करके टेंजेंट है जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, राइट। अच्छा अब आगे देखो, एक बार ये एंगल जो हमारा है ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये पूरा एंगल यहां से बनता है 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल है। यस, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो एंगल बच गया वो एंगल बच गया हमारे पास 60 डिग्री का। ये जो एंगल बच गया इतना, यहां तक ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। अच्छा चलो आगे सुनो यार, अब आगे पॉइंट ये है कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो पूरा ये 90 डिग्री का होता है, तो ये रिमेनिंग एंगल जो रहेगा ना, छोटा सा एंगल दिखा हो आप लोगों को, ये एंगल रहेगा 30 डिग्री का। दिखा गया सभी को, थोड़ी सी ज्योमेट्री, ठीक है। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लीजिए, ये 30 डिग्री का है, अब रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा। अब ये 30 डिग्री का बन गया, ये 30 डिग्री का बन गया। अच्छा ये हमारा जो था ना, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ये एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच का 90 का बन गया, तो ये 90 का बन गया, तो ये हमारे पास पूरा एंगल 90 का बनता है, तो 90 है ये 30 है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। तो जितना एंगल ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल जब बाहर निकल रहा है ना, तो अगर आपसे कोई टेबल एंगल ही पूछते कि ये एंगल कितना होगा, बाहर निकल तो समय कितना एंगल होगा, तो आप वो भी निकाल सकते हो, ये 30 का है तो ये 60 का होगा, ये 60 का तो ये 30 का बन जाएगा, ये पूरा 90 का है ना, ये भी पूरा 90 का होगा, ये 30 का तो ये 60 का, ये पूरा 90 है 60 का तो ये 30 का। अब मुझे निकालना है टाइम, टाइम पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा ट्रायंगल्स के तीन एंगल के सम होने की होता है, ये 30 30 60, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 120 डिग्री का, 180 चाहिए तो 120 का हो गया। अब वो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम जो एक चक्कर लगाने का पूरा टाइम जो होता है ना, एक पूरा चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वो होता है टी बराबर में 2πm/bq। मैंने कल आपको क्या बताया था कि यहां पर जितना एंगल होता ना उतने एंगल का टाइम होता है। अगर आप ये 2π लिखा ना तो एक पूरे चक्कर का है, क्योंकि एक पूरे चक्कर में एंगल 2π का बनता है। अगर मैं पाई कर दूं तो आधे चक्कर का एंगल बन जाएगा, अगर पाई बाय 2 कर दूं तो 1/4 का बन जाएगा। तो यहां पर हमेशा थीटा पुट कर दो जितना उसने एंगल कवर किया है, तो अगर एंगल पूरा सर्कल कवर किया है तो 2π, हाफ किया तो पाई, और ये जितना एंगल से एंटर किया 30 से ही यहां से बाहर निकलेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। एक बार क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से चेक कर लो, पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट लगे तो मेरे से आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके मैं उसी के बेस पर आपके पॉइंट्स को और बेटर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से चल रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग देखते रहो क्वेश्चन को ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया से। तो चलो इसी पॉइंट पर हम लोग चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, इसी बेस पर चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, वन मोर क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ, ठीक है। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे करके आता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार आया है कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड है, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो दूरी है ना डी है, यहां पर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरी बात फॉर्मूला कैसे है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी, पर ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में एंटर करता है ऐसे करके, और ये जो दूरी है ना ये छोटी है रेडियस, अगर रेडियस के बराबर हो तो इस पार्टिकल घूम जाता है ऐसे करके, नहीं जाता,
और ये रेडिएशन छोटी है तो पार्टिकल ऐसे करके एंटर करेगा और यू कहीं से बाहर निकलेगा। तो पार्टिकल जो यहां से ऐसे करके एंटर किया था ना, ऐसे करके इसको जाना चाहिए ऐसे करके, पर वो चला कैसे गया? वो चला गया ऐसे करके, तो जाना था ऐसे, चला गया ऐसे, तो इतने एंगल से पार्टिकल डेविएट हो गया। तो थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल से पाथ डेविएट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। और इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, पर आपको बता दो फॉर्मूला कैसे बनता है। इसका सीधा फॉर्मूला ये होता है, साइन थीटा बराबर में डी वाई आर, ये सीधा फॉर्मूला होता है। डी ये डिस्टेंस और आर इज द रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन बी क्यू। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान से, अभी फॉर्मूला कैसे आता है मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो, मान लो सपोज करो कि ये पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा, सेंटर यहां पर होगा, सेंटर को इससे भी मिला दो ऐसे, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया। अब ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से सुनो, ये एंगल थीटा है, तो आप इसको ऐसे करके मिलाओ ऐसे करके, कि पार्टिकल ऐसे कर दिया था, ये ऐसे कर टेंजेंट जा रहा है ऐसे करके, और ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल ऐसे कर टेंजेंशियली जा रहा है, ये रेडियस है, एंगल पूरा 90 का बनेगा, ये रेडियस ही टेंजेंट जा रहा है तो एंगल 90 का बनेगा, 90 180 हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल सम 360 होता है, 180 तो ये हो गया, तो इनका भी 180 बनना चाहिए। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल क्या बन गया, दिस एंगल बन गया 180 माइनस थीटा, और इनका सम 180 बनना चाहिए था। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है, इनका सम 180 बनना चाहिए था, तो ये एंगल निकालो थीटा। अब ये थीटा आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। कैसे खत्म हो गया, देखो एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, ये लंबाई डी के बराबर है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन है। पर ये फॉर्मूला बड़े काम का फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला कई जगह कई क्वेश्चंस में यूज होता है। तो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार ध्यान से देख लो, चेक कर लो। सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दोस्तों, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, कॉन्फिडेंस का है, और आपके कॉन्फिडेंस का है। तीन चीजों को हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कॉन्फिडेंस लगाना चाहिए कि भी कॉन्फिडेंस है कि कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस और एक सी का मैंने मतलब बताया, मैं खुद ही भूल गया यार। तो जो भी है चलो, तो आप लोगों ने कंसेप्ट को बिल्कुल बढ़िया कर लेना है, पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते चले जाना है। और जहां दिक्कत आए, देखो फिजिक्स करना ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, इतना मुश्किल जितना हम सोचते उतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तो है, आसान तो कुछ नहीं है। डॉक्टर बनना आसान होता तो हर बच्चा डॉक्टर बन जाता फिर तो, पर ऐसा नहीं होता ना। 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं और 1% से भी कम बच्चे पास होते हैं, तो बाकी जो परसेंटेज होती है वो कहां चल जाती है? बाकी बच्चे क्यों नहीं इसको फोड़ पाते? ख्वाहिश तो आपके अंदर भी है फोड़ने की एग्जाम को, ख्वाहिश उनके अंदर भी है, तो आप कहां लैग कर जाते हैं? आप एग्जाम क्यों नहीं फोड़ पाते हैं? 99% बच्चे क्यों रह जाते हैं? ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा से भी होता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, माइंड में कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन आगे क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन सारे वेरिएशन लग जाते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, पर कंसेप्ट को ढंग से करने के बाद ही प्रैक्टिस करने का पूरा फायदा मिलता है। चलो मैं इसी बेस से एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, इसी बेस पर मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जिसको हम लोग मिलकर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो आप लोगों का ये है, एक मैं बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते हैं आप लोग करना ट्राई करना, मिलजुल के ट्राई करेंगे। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्रॉस में है, क्रॉस का मतलब आप समझते हो इनटू द प्लेन, राइट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये इसके बाद एक और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, डॉट का मतलब बाहर की ओर, और ये पूरी रीजन में फैली हुई है, पूरे रीजन में, इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी तो लिमिट इतनी बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है ऐसे करके, एक चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में एंटर कर रहा है ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके, चार्ज क्यू, मास एम, वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद यहां से बाहर निकलेगा क्वेश्चन आपका ये, आफ्टर हाउ मच टाइम दिस पार्टिकल
इमर्ज आउट फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड, चलो है ऐसे थोड़ा सा, कितनी देर के बाद बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन कैसे करेगा? अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझाया ना, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, और अगर पिछले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी तो मुश्किल हो सकती है। और हाँ, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है डी, डी दे रखा है आर बाई क्यू, मतलब रेडियस का आधा, रेडियस कितना होता है एम वी अपॉन बी क्यू का हाफ दे रखा है, ठीक है? तो ये आपको डी दे रखा है रेडियस का आधा, और रेडियस होता है एम वी अपॉन बी क्यू का हाफ दे रखा है। अब देखो जी, मैं इसकी फिगर पूरी कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन की फिगर पूरी कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई कैसे करें, देखो होगा क्या, अगर पार्टिकल फील्ड में एंटर कर रहा है ऐसे करके तो फोर्स लगेगा ऊपर, तो पार्टिकल डेबिट हुआ ऐसे करके, कितने एंगल से डेबिट हुआ आप निकाल सकते, सीधा फार्मूला साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला डी बाय आर, कितने एंगल से डेबिट हुआ निकाल सकते हो, निकल जाएगा। अब जब पार्टिकल यहां पर एंटर करेगा तो ऐसे करके एंटर कर रहा है, अब इसका सेंटर ढूंढो कहां पर, फील्ड बाहर की ओर है, वेलोसिटी ऐसे करके ही, तो वो सेंटर इस साइड कहीं पर होगा, इसका सेंटर कहीं यहां पर, मान लो कि सेंटर यहां नहीं पर, तो सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल बनेगा ये, पार्टिकल यूं घूमेगा ऐसे करके, सेमी सर्कल से बड़ा बनेगा ऐसे आएगा, जैसे ऐसे था ना, ऐसे गुंडी बनेगा, फिर यहां पर, फिर हम तो कहानी भी सीन है कि जैसे इमेज यहां बन रही है वैसे इमेज यहां बनेगी, तो ये ऐसे करके जाएगा यूं करके और सीधा जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ ले कितने एंगल से डेबिट हुआ है, आप सीधा निकाल सकते हो एंटर ऐसे के था, बाहर ऐसे निकल रहा है, डेविएशन 180 डिग्री का हुआ है, एंटी पैरेलल बाहर निकल रहा है, पर कितने ड्यूरेशन अंदर रहा वो कैसे निकालोगे, कितने ड्यूरेशन अंदर रहा, देखो उसको निकालने का तरीका ध्यान से, यहां पर कितने एंगल से डेबिट हुआ निकाल सकते हो, डी बाय आर, डी है आर बाय टू, तो थीटा आ गया 30 डिग्री का, तो यहां से डेबिट हुआ 30 डिग्री का, ठीक है? अच्छा, अगर यहां से डेबिट हुआ 30 डिग्री का, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनेगा ऐसे करके, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। अच्छा, सेंटर का कहीं पर यहां पर होगा, इसको इससे मिला लो ऐसे करके, मिला दिया ऐसे करके, अब ये एंगल जो पूरा बनेगा 90 डिग्री का बनेगा रेडियस के साथ में, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, अब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल कितने का आ गया, 30 का आ गया, ये 30 का, ये 30 का, तो ये 120 का आया था, है ना? अच्छा, ये एंगल अगर 120 का आ गया, ये एंगल अगर 120 का आ गया, तो ये एंगल जो पार्टिकल घुमा है ना इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 120 तो ना घुमा हुआ, 120 से बड़ा ही घुमा हुआ, इतना एंगल घुमा ना, इतना एंगल घुमा है, इतना एंगल घुमा है, तो अगर ये एंगल 30 है, ये 30 है, 30 डिग्री कितना हो गया, 60 हो गया, तो ये 60 हो गया, हाँ ठीक है, तो ये 120 आ गया, अगर ये 120 आ गया तो पूरा सम 360 का होता है, तो आपने 360 में से 120 को माइनस कर दो तो 240, तो ट्वाइस ऑफ 120 होता है 2 पाई बाय 3। जैसे पोजीशन यहां पर बनती है बिल्कुल सारे सारे ऐसे एंगल ऐसे बनते हैं, फिर यहां से फिर 30 डिग्री से फिर डेविएट हुआ और फिर बाहर निकल जाएगा, तो 30 डिग्री से डेविएशन यहां पर होगा, इसके बाद डेविएशन यहां पर होगा, फिर डेविएशन यहां पर होगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। अब कितने टाइम अंदर रहा, टाइम का सीधा फॉर्मूला क्या है, अगर यहां पे टाइम का फॉर्मूला निकालोगे इस वाले केस में टाइम वन, तो क्या होगा आपको, जितना एंगल हो ना, जितने एंगल से होता है, जितना एंगल सबटेंड करता है उतना एंगल देख लो, कितना एंगल है, कितना एंगल बनेगा बताओ। अब अगर ये एंगल निकालोगे सिंपल है, जितना एंगल 30 डिग्री से डेबिट हो तो एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री हो गया मतलब पाई बाय 6, जब यहां पे आएगा तो दोबारा से पाई बाय 6। अब यहां पर, अब यहां पर जाओ तो यहां पर कितना एंगल से डेबिट हुआ, यहां से पार्टिकल इतने एंगल तक अंदर रहा 4 पाई बाय 3, तो यहां का टाइम कितना बनेगा 4 पाई बाय 3, मतलब कुल मिला के टाइम कितना आ गया, कुल मिला के टाइम आ गया 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3, 2 पाई। तो टाइम का फार्मूला होता है टी बराबर में 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, और पूरा पार्टिकल घुमा कितने एंगल से, 2 पाई से घूम गया, तो 30 डिग्री से यहां से डेबिट हुआ, 30 डिग्री यहां पर घूमा, यहां पर कितनी डिग्री घूमा, यहां पर घुमा इतनी डिग्री, इतने एंगल, इतने टाइम तक, इतने एंगल तक अंदर रहा,
फिर यहां से 4π/3 आ गया, फिर यहां से π/3 फिर आ गया, सब कुछ जोड़ लिया, ये टैन हो गया। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? क्या सभी को सारे क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन क्लियर है? तो सारे के सारे क्वेश्चन ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, बढ़िया से क्वेश्चन लेते। अब मैं आप लोगों के लिए बच्चों लेके आने वाला हूं मैराथन सेशन। अब हम लोग मैराथन सेशन में बात करेंगे, और जो पहला मैराथन सेशन के लिए लेके आ रहा हूं, मैं तीन मैराथन सेशन लेके आ रहा हूं, एक रोटेशनल मोशन का, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स का, और एट द एंड सेंट्रो मास का। तो तीन है, पहला मॉडर्न फिजिक्स, फिर सेंट्रो मास, और फिर रोटेशनल मोशन। ये तीनों मैराथन सेशन बहुत ही बढ़िया है, और तीनों आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और प्रैक्टिस आपने लगातार करती चले जानी है जी। और एक बात हो, मैंने आपको बताया था कि चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, एक चेन रिएक्शन बना के, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में चेन रिएक्शन, एक बंदा दो से करवाए, तीन से शेयर करवाए, चार सब्सक्राइब कराए, जल्दी से अपन लोगों को 1K करना है। और जैसे ही 1K हुआ स्पीड और भागेगी। मैं अभी से डेली 1 घंटे लेक्चर लेता हूं, फिर मैं 2 घंटे दूंगा, 3 घंटे दूंगा, पर उसके लिए सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। तो अभी अगर 400 के आसपास हम लोग हैं या 350 के आसपास हैं, तो जल्दी 1K, जैसे ही 1K हो जाएंगे मैं डेली 2 लेक्चर्स लेके आऊंगा, डेली 2। जैसे 3K हुआ और ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो लगातार मेरा ड्यूरेशन आपके सब्सक्रिप्शन के साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही काफी है। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, सायनारा, किंगडम।